ओम नमस्ते सभी को। अब तक जो मुझे शरीर के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ वो कुछ इस तरह का है। शरीर को बनाना, मतलब आज की भाषा में कहूँ तो बॉडी बनाने का, मसल्स बनाने का, शरीर ग्रो करने का जो श्रेय जाता है वो दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा जाता है। सबसे पहला है पाचन तंत्र, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन। देखो, जो कुछ आप खाते पीते हो उसका रस निकालता है पाचन तंत्र। आपने सुना होगा ऐसे योद्धा रहे हमारे देश में जिन्होंने घास रोटी खा खा कर युद्ध लड़े, ऐसे लोग रहे जिन्होंने सिर्फ दलिया रोटी खाकर शरीर का बल बढ़ाया। तो भाई, ये सब पाचन तंत्र की ही शक्ति होती है। और ये बात भी सच है कि इंसान का पाचन तंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि एक सूखी रोटी से भी शरीर में बल बना देता है। तो आज मैं कुछ ऐसा ही आपको बताने वाला हूँ जिसके बारे में अगर आप जान गए तो आप भी ऐसा ही पाचन तंत्र बना सकते हो कि सब कुछ पचेगा। और सिर्फ पचेगा नहीं बल्कि खाए पिए भोजन का बल आपको महसूस भी होगा और आपके अंदर ऊर्जा बढ़ रही है, शक्ति बढ़ रही है, आपको खुद महसूस होगा। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पाचन तंत्र को वज्र बनाने की बात, जो कि वज्र धातु से ही बनता है। वज्र धातु इंसान शरीर की सबसे कीमती और शक्तिशाली मजबूत धातु होती है। हाँ, मैं उसी धातु की बात कर रहा हूँ जिसको आजकल के नौजवान वेस्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नाली में बहा रहे हैं। पाचन तंत्र को वज्र बनाने की पूरी प्रक्रिया जो चलेगी वो चलेगी लगभग 84 दिन। रिजल्ट आपको लगभग 1 महीने में दिख जाएगा। तो सबसे पहला कार्य जो रहेगा वो रहेगा वज्र धातु को रोकना, रक्षा करना इस धातु की, मतलब कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी को रोकना। अब उसके बाद वो सब चीज़ों का सेवन भी जरूरी है जो सेक्सुअल ऊर्जा को पावरफुल बनाए, जैसे कि अश्वगंधा, सफ़ेद मुसली और भी बहुत सारी हर्ब्स है। कितनी भी पावरफुल हर्ब्स ले लो सब मिल जाएगी भारत में। हमारे देश में तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं जो फ्री में मिल जाएंगी। कौन सी है? बरगद का पेड़ सब जगह है, आपने भी देखा ही होगा कभी ना कभी, ठीक है। उसका जब पत्ता तोड़ोगे तो दूध निकलता है। बस उस दूध की 4 बूंद पताशे में डालकर खाओ तो ऐसा माना जाता है कि सांड जैसा बल वो दूध शरीर को प्रदान करता है। लेकिन इसके लिए वही नियम रहेगा, वज्र रक्षा करनी ही पड़ेगी। वज्र की जब एनर्जी बॉडी में बनने लगती है तो प्राणायाम करके इस एनर्जी को ऊपर की तरफ भेजा जाता है बॉडी में। अब देखो, ये पॉइंट समझो, आपने खाना खाया और वो खाना पाचन तंत्र अब आपका पचाएगा। उसके बाद बॉडी का ब्लड आता है उस खाने को पचाने के लिए, कम से कम 2 लीटर। अकॉर्डिंग टू साइंस हमारा सीमेन 84 दिन बाद हमारे ब्लड में जाना शुरू हो जाता है। और जब सीमेन ब्लड में जाता है तो हमारा ब्लड एक वज्र की तरह पावरफुल बन जाता है, क्योंकि ब्लड वज्र को समा चुका है अपने अंदर। अब आपका खाना कौन पचा रहा है? ब्लड, 2 लीटर ब्लड है ना, जो मैंने ऊपर बताया। अब मान लो किसी इंसान का ब्लड कमज़ोर है, शक्ति नहीं है उसमें, तो क्या वो खाना पचाएगा? वो खून खाना पचा पाएगा, क्योंकि वो कमज़ोर है पहले ही। और जिस इंसान के खून में वज्र जैसी सबसे शक्तिशाली धातु प्रवेश कर रही हो तो सोचो वो ब्लड कितनी ताकत से खाने का रस रस निचोड़ देता है। तो ये है पूरी गेम भाई। देखो, बेशक आप इस धातु को निकालते रहो, मास्टरबेट करते रहो, खाना तो तब भी पचेगा, सबका पच रहा है, लेकिन सिर्फ उस पचे हुए खाने से आपको सिंपल ऊर्जा ही मिलेगी जो काम करने की, चलने फिरने की। अगर एक्स्ट्रा पावर चाहिए योद्धा जैसी, क्रांतिकारियों जैसी, तो यही धातु दे सकती है। आशा करता हूँ प्रोसेस समझ आ गया होगा आपके, ठीक है। फिर आ जाती है वो चीज़ें जो कि हमारे पाचन के लिए बनी है। देखो, हर अंग के लिए कोई ना कोई आहार प्रकृति देती है, जैसे कि विटामिन ए है हमारी आँखों के लिए, प्रोटीन बनाए हमारी मसल्स के लिए। ऐसे ही पाचन के लिए भी बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं जो कि पाचन को एकदम ज़बरदस्त करने की शक्ति रखती है, जैसे कि हींग, मुलेठी, जीरा, पुदीना, आंवला, हरड़ और भी बहुत सारी हर्ब्स है। यहाँ पर एक चीज़ सजेस्ट करूँगा मैं, जो कि कहान आयुर्वेदा का है, ये एंजाइम लार। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें 20 ऐसी हर्ब्स मिला रखी है जो कि सिर्फ पूरे पेट के सिस्टम के लिए बनी है, जिसमें पाचन भी आ जाता है। ये आपकी कब्ज, खून साफ, आंते साफ, इन सब प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। और सबसे अच्छी बात, ये एंजाइम लार भूख भी बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, खाया पिया लगने लगेगा। अब बात करते हैं इसको लेने के तरीके की। तो भाई, इसको सुबह शाम खाना खाने के 40 मिनट बाद 2-2 चम्मच इसके गर्म पानी के साथ आप लो, ठीक है, मतलब नॉर्मल पानी के साथ तो लो। ये आयुर्वेदिक है, ठीक है। बाकी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो, ऑर्डर कर लो। अब मैं आपको ऐसे 2 योग बता देता हूँ जो कि आपके खाने को फास्ट पचाएंगे और हाथों को इतना मजबूत बना देंगे कि खाना एकदम फास्ट डाइजेस्ट होगा। सबसे पहला है उष्ट्रासन। ये आसन इस प्रकार होता है, जैसे आप देख पा रहे हो, श्वास की गति नॉर्मल रहेगी, लेना है छोड़ना है नॉर्मल। बाकी आप और जानकारी के लिए जब ये योग करोगे सुबह तो इसके बारे में जानकारी ले सकते हो, अलग से वीडियो देख लेना उष्ट्रासन की, बाबा रामदेव भी करते हैं, वहाँ आप सीख सकते हो। बाकी इस योग से आंतें मजबूत होती हैं हमारी। अगला योग है वज्रासन। अब ये आसन जानते सब है लेकिन करते बहुत कम है लोग, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस आसन के बारे में, वो सुनकर आप आज से ही
आज से ही क्या अभी से ही करना शुरू कर दोगे? देखो, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, जब खाना हम खाते हैं तो पूरे खाने को पचाने में लगता है खून। टोटल खून कितना होता है एक इंसान में? 10 लीटर 12 लीटर। 4 लीटर खून ऊपर होता है, 4 लीटर खून नीचे होता है, 2 लीटर हमारे बॉडी के बीच में, ठीक है? तो खाना पचाने के लिए होता है वो। लेकिन जब हम वज्रासन करते समय इस तरीके से अपनी टांगों को मोड़कर बैठ जाते हैं तो बांध लग जाता है टांगों के खून पर। तो टांगों के खून पर बांध लग गया तो टांगों का खून ऊपर आने लगता है। पहले आपको भोजन के पचाने में 2 लीटर खून लग रहा था, लेकिन अब वज्रासन की स्थिति में आने के बाद 4 लीटर खून लगेगा आपके भोजन को पचाने में, वो भी पूरे पावरफुल तरीके से आपका भोजन पचेगा। इसलिए भाई, सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाने के बाद आप वज्रासन करें कम से कम 10 मिनट। ये वो नियम है। और खाने की चीज़ में जो मैंने आपको बताई, बाकी फ्रूट सलाद खाएं जितना हो सके, ठीक है? कच्चा भोजन जितना दोगे अपने शरीर को, आपका शरीर उतना ही ताकतवर बनेगा। ये वो नियम है, अपनाओ और फिर देखो कितना इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। अगली वीडियो किस पर चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ओम नमस्ते, राम राम जी, हर हर महादेव।